तो आज हम आपको सुनाएंगे एक अकलमंद हंस की कहानी। अकलमंद हंस। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उस पर 200 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत शाना हंस और बुद्धिमान और बहुत दूरदृष्टी, सब उसका आदर करते, ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो इस बेल को नष्ट कर दो, एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह ले जाएगी? सियाने हंस ने कहा, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन ना आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अकल का रोब डालने के लिए अंटशंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी? समय बीतता रहा, बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुँच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन सब जब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर उनकी सीढ़ी को देखते कि उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरते तो बहेलिए के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमान की और दूरदृष्टता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट में निकलने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है, आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया कि मेरी बात ध्यान से सुनो, सुबह जब बहेलिया आएगा तुम मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकाल कर जमीन पर डालता जाएगा, वहाँ भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊँगा, मेरी सीटी सुनते ही सब उठ जाना। सुबह बहेलिया आया, हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक रह गया।